अनिल गर्ग जी, अभी कुछ दिन पहले ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, सरकार की ओर से ये ऐलान किया गया, और अब मनीष तिवारी जी किसान आंदोलन हो रहा है तो कह रहे हैं कि ये तो किसान नहीं है, किसान नेता नहीं है, बल्कि ये तो उपद्रवी है, कुछ और है, न जाने क्या है। साजिया जी, एक पुरानी कहावत है, कुछ लो खोटा कुछ लोहार खोटा। कहने का तात्पर्य ये है, किसानों की सारी मांग गलत है ऐसा भी नहीं है, लेकिन मांग करने का तरीका भी गलत है, और मांग सारी की सारी जो कि तू मान लेनी चाहिए ये भी नहीं हो सकता। और ये भी एक बात सही है, चाहे चार दौर की बैठक बेनतीजा रही हो, लेकिन हल निकलेगा तो बैठकों से ही निकलेगा। हर आपका जेसीबी लेके आने से नहीं निकलेगा, हर आपका पोकले लेके आने से नहीं निकलेगा। आंदोलन दिल्ली ने और बहुत आंदोलन देखे, 77 का आंदोलन देखा, अन्ना का आंदोलन देखा है, रामदेव का आंदोलन देखा, लेकिन ऐसे अराजकता आपने नहीं देखी होगी जो किसानों ने पिछली बार की थी। और लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, अगर आपसे कहा गया अगर ट्रैक्टर ट्राली छोड़ के आप दिल्ली आइए, कोई मना नहीं है, दिल्ली लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन पोकलेन लाने के लिए मना है, जेसीबी लाने के लिए मना है, ट्रैक्टर ट्राली लाने के लिए मना है, आप आइए। दूसरी बात, आपने मांगे रखी है, मांगों का प्रैक्टिकल हल क्या है, देश के ऊपर कितना उसका लोड पड़ेगा, एमसीपी जो आप इसकी बात करें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, आखिर उसका जो फार्मूला बनाया गया क्या वो देश के लिए सूटेबल है? देश की जितनी इकोनॉमी है अगर जीडीपी का पांचवा हिस्सा है इसी पे एमएसपी पे दे दिया जाए तो बाकी देश की व्यवस्था क्या होगा? तो बीच का एक रास्ता निकालने की जरूरत है, ये नहीं कि हमने जिद कर दी। किसानों के साथ दिक्कत क्या है साजिया जी, तरीका भी वही बता रहे हैं, हल भी वही बता रहे हैं, यानी सब कुछ वो बता रहे हैं, बस किसान चुपचाप सरकार मान ले। अगर जो वादा किया गया था पहले किसान आंदोलन के बाद से, जो लगभग 13 महीने चला और जो बातें कही गई थी, अगर वो पूरी हो जाती तो क्या दोबारा नौबत आती इस किसान आंदोलन? साजिया जी, मैं दोनों बातें आपको कहूंगा, जो पहले 13 महीने आंदोलन चला अगर वो भी आंदोलन का प्रकार आप ठीक समझते तो मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ, वो भी आंदोलन करने का गलत तरीका था। किस तरह से दिल्ली को बंदिश बना के रखा गया था वो बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं था। आप आंदोलन करना चाहते तो आंदोलन का भी एक तरीका है, वैधानिक तरीका है, आंदोलन का ये तरीका नहीं कि आप कितने मर्जी लोग आ जाइए, कहाँ मर्जी बैठ जाइए, जो मर्जी करिए, उसके लिए भी एक आपको संवैधानिक मंजूरी लेनी पड़ती है। आप रामलीला मैदान आइए, आप जंतर मंतर आइए, बैठिए, कोई मना नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ये बात ठीक है, अगर उस समय जो जो फैसले हुए थे जिसके कारण से वो आंदोलन खत्म हुआ था, उन फैसलों पर अमल किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ा फैसला अगर आपको याद होगा, वो तीन किसान जो कानून थे वो वापस लेने का था, और वो वापस लिए गए, संवैधानिक रूप से उनको बिल पेश किया गया और वापस लिए गए, और बाकियों के लिए बातचीत करने की बातचीत हुई, और आज भी बातचीत करने को तैयार है सरकार, तो ऐसा नहीं कह रही। एमएसपी कमेटी का वादा तो तभी का था जो अब तक पूरा नहीं हुआ, ये बात को स्वीकारना होगा आपको, और इसीलिए किसान नाराज है। क्या यहाँ पर से कौन बोलना चाह रहा है इस मुद्दे पर, बोलिए, आ रही हूँ। देखिए, किसान मांग रहा है गारंटी और आप उसको कर रहे हैं पेमेंट का वादा, है मांगे जाए चाचा दे दे आप फूफा तो कैसे काम चलेगा, देश को भी बर्बाद कर दीजिए, इकोनॉमी को भी बर्बाद कर दीजिए, उधर किसान भी बर्बाद हो जाएगा। तो आप किसानों को गारंटी दीजिए, मार्केट और किसान के बीच खुद पेमेंट देने के लिए खुद अड़तिया खुद व्यापारी बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप व्यापारी नहीं है, भारत सरकार व्यापारी नहीं है, उसे व्यापारी की तरह सोचना बंद करना होगा, उसे एक सरकार की तरह क्रेडिट विश्वास और उसकी वैल्यू को सेट करना पड़ेगा मार्केट और किसान के बीच में। आप दाल आप काटन के क्या यूज करेंगे भारत सरकार, मुझे बताइए, काटन का कोई यूज नहीं आपके पास, सुनिए, काटन का कोई यूज नहीं आपके पास, काटन का यूज है व्यापारी को। तो व्यापारी और किसान के बीच में आपको ट्रस्ट बिल्डअप का काम है, आप पेमेंट लेके घूम रहे, देश को की इकोनॉमी बर्बाद होगी, पैसा बर्बाद होगा इस देश का टैक्स पेयर का, और आप क्या करेंगे, ना किसान को संभाल पाएंगे, ना कॉटन संभाल पाएंगे, ना मार्केट को संभाल पाएंगे। ऐसी पॉलिसी मत बनाइए जिससे देश पर इतना लोड पड़े कि उसकी कमर टूट जाए। ठीक है, बोलिए मनीष जी। शाजिया जी, दरअसल जो बात लोग कह रहे हैं, जो हमारे आरबी उपाध्याय जी ने कहा, हम लोगों ने कृषि को एक इमोशनल गेम बना रखा है, अन्नदाता, अरे रुकिए जरा, अन्नदाता कह के हमने उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत होने का मौका ही नहीं दे रहे हैं उसे। अरे मुझे एक बात बताइए, अरे बीच में बोल लो, खेत में पानी लगा के दिखा दे, अरे किसान जब पानी लगाता है बारिश में तूफान में सर्दी में काम कर रहा होता है, एक दिन करके दिखाओ ना, एक दिन करके दिखाओ आपको ना भाई साहब, डॉक्टर भी देखने नहीं आएगा। ठीक है, सुनिए, सच्चाई ये है शाजिया जी, सुनिए, सच्चाई ये है कि इस देश में जितने भी किसान हैं, सुन लीजिए एक मिनट, इस देश में जितने भी किसान हैं, उस किसानों की संख्या के 8 गुने ज्यादा खेती किसानी में लगे हुए वो मजदूर हैं जो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, और उन्हें मिलता क्या है, उन्हें मिलती है सिर्फ मामूली सैलरी। जो अमीर किसान है, क्यों उन किसान उन मजदूर भाइयों को पीएफ क्यों नहीं दे सकते, उनको पीएफ बोनस और ग्रेच्युटी क्यों नहीं दे सकते? जो किसान 1 करोड़ रुपए कमाता है उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, उस किसान के यहाँ जो 40 मजदूर काम कर रहे हैं 10-10 साल से काम कर, उनको ग्रेच्युटी क्यों नहीं मिलती, उनको पीएफ क्यों नहीं मिलता?
हमें किसानों के अलावा जो किसानों के काम करने वाले लोगों को देखना पड़ेगा, वो कौन है? करोड़ कमाते हैं इस देश में। तो एक काम करिए, एक करोड़ कमाने वाले पर टैक्स लगाइए, लगाइए ना। ठीक है, इस देश में एक करोड़ कमाने वाले कितने किसान है कोई बता सकता है? पांच। एक एकड़ वाला किसान जिसके पास एक एकड़ जमीन है वो उस खेती में लगा रहता है, कितना कमाता है साल में? 50,000 रुपया। और 50,000 रुपए में, एक एकड़ की बात कर रहा हूँ, एक एकड़ की, और एक एकड़ के किसान इस देश में सबसे ज्यादा है। 50,000 रुपया कमाता है, 50,000 रुपया कमा के वो अपने पूरा परिवार पालता है और उसमें लगा रहता है मजदूर की तरीके से। मैं छोटे किसान और सीमांत किसान की बात कर रहा हूँ। अगर जो वो जो लगा रहता है उससे ज्यादा दिल्ली में 15,000 रुपए की नौकरी करने वाला साल में ज्यादा कमाता है एक किसान से। अगर जो आपको नहीं है समझ तो देख लीजिए, समझ नहीं है इनको कुछ भी। ये बात करते हैं बड़े किसानों की, इस देश में है कितने बड़े किसान? बिल्कुल, अगर जो बड़े किसान हैं इस देश में तो उनपे सारी चीजें लागू करिए, आप टैक्स भी लीजिए। लेकिन जो छोटा किसान है उसकी आपको, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी छोटे किसान की इस देश में, उनको डेटा पता नहीं, करोड़ करोड़ की बात करते हैं। एक आदमी ने जी वैगन खरीद ली, मैं तो ये बोल रहा हूँ मनीष जी जब इतने ही वो है तो मैं एक एकड़ इनको एक साल में देता हूँ। अब मैं किसान का बेटा हूँ, एक एकड़ इनको साल में देता हूँ, कमा के दिखा दें कुछ भी, एक एकड़ और चले जाएं दिल्ली से, शर्मा नहीं चाहिए। ठीक है, जनता की बात कर लेते हैं, जनता की बात कर लेते हैं, जनता की बात कर लेते हैं, जनता क्या कहना चाह रही है? एक सेकंड, मैं इनके जवाब देता हूँ। एक मिनट, अपने परिवार को पालना मुश्किल हो जाएगा। ये भाई साहब को मैं जवाब दे रहा हूँ, ये किसान है, ये कहते 50,000 कमा रहा है। किसान मेहनत करता है, मजदूर मेहनत करता है, कोई व्यापारी मेहनत करता है, क्या वो मेहनत नहीं करता? ये जो अभी एक एकड़ जमीन की बात हो रही है सीमांत किसान की, जो तीनों कृषि कानून के कानून वापस लिए गए, वो सीमांत किसान के लिए अमृत थे, वो अमृत। पूरे सीमांत किसान के पास जमीन कम होती है, वो तीनों कानून कैसे लिए गए वापस, आप बताइए उसका, वो किसके फायदे के लिए थी? आप उससे हमारे 90% गरीब किसान का बहुत बड़ा फायदा था वो, और वो लिया गया, क्या ले गया? नहीं, वो बड़े किसान बिल्कुल, एक एकड़ में अगर किसान खेती करता है तो उसका पूरा परिवार अच्छी तरह पल नहीं सकता, वो जब तक वो दूसरा आय का साधन नहीं जुड़ा, मजदूरी ना करे, खेती करे, मजदूर करे, जब वो एक एकड़ में अपने परिवार की गाड़ी धड़का सकता है अच्छी तरह से, जो जिस प्रकार से परिवार को चलना चाहिए उस प्रकार से नहीं चल सकता हो, एक एकड़ में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, राहुल जी प्लीज सुन लीजिए लोग क्या कह रहे हैं। साजिया जी, मैं आपको बता दूं, ये जो राजनीतिक रोटियां कैसे भी सेके, किसान का सत्यानाश जब ओपन मार्केट की व्यवस्था आई थी ना, उसके बाद किसान माइनस में जा रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 2005 तक खुद ने खेती की, 2005 के बाद खेती एकदम माइनस का सौदा है, और जिस दिन जो किसान नहीं लिख के रखता है ना, वो आज खेती कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रॉपर हिसाब मेंटेन कर रहा है वो आज किसान खेती नहीं कर रहा, मैं 2005 से खेती नहीं कर रहा। अब दिक्कत कहाँ आपकी है बताऊँ, इन ये कौन किसान है जो धरने में बैठे हैं? मैं भी उनमें से एक हूँ। धरने में वो किसान बैठे हैं कि गवर्नमेंट से फसल बीमा का फायदा किसान लेगा और उसका खेत को बोने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, आप समझ लें इस बात को, और इस बात को ये नहीं मानेंगे, क्यों ये इस बात को नहीं मानेंगे? क्यों? मैं जो चीज कर रहा हूँ वो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। अब इनको क्या आज मनीष जी पता नहीं क्या खा क्या है, पहले किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं, अभी कुछ और बता रहे हैं। जिस दिन किसान 1 करोड़ रुपए कमाने लग जाएगा ना, आप लोग यहाँ नहीं बोलेंगे। किसान की हालत बड़ी दयनीय है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये जो MSP का कानूनी मांग कर रहे हैं ना कि हमारे कानूनी गारंटी चाहिए, ये मांग गलत है। क्यों? कि कानूनी का मतलब क्या होता है कि आप उससे नीचे खरीदेंगे तो आपको आपके ऊपर चार्ज फ्रेम होगा, तो कौन व्यापारी खरीदेगा, माल कहाँ जाएगा? ठीक है।